हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे की पिक बुक के एनालिसिस के बारे में। ये काफ़ी समय से डिले था ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं ट्रैवल भी कर रहा था और दूसरे टाइप के वीडियोस भी बना रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है कोटूर हरिहर बारस्ता हरपन हल्ली। तो ये 65 किलोमीटर की रेल लाइन है। आप यहाँ नीचे हरियार देख सकते हैं और ऊपर कोटुरू है, और इसके लिए तकरीबन 302 करोड़ रुपए का बजट था और 181 करोड़ इसमें खर्च हुए थे। इस साल पिछले साल 6 करोड़ 30 लाख थे, और इस साल कुछ नहीं क्योंकि ये रेल लाइन अप एंड रनिंग है। दूसरी रेल लाइन आप देख सकते हैं कटूर चिकमंगलूर सकेलपुर तक। तो चिकमंगलूर से सकेलपुर तक की आप लाइन देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कडूर से चिकमंगलूर तक की लाइन बन चुकी है। 333 करोड़ रुपए का इसका बजट था, 270 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे। पिछले साल 4.5 करोड़ मिले थे, इस साल कुछ भी नहीं मिला है। तो देखते हैं आगे का कैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा। तीसरा है हसन बेंगलुरु बारस्ता श्रवण बेलगोला। ये लाइन भी अप एंड रनिंग है, 412 करोड़ इसका बजट था। एक्चुअली ये बहुत पुरानी रेल लाइन है। श्रवण बेलगोला में जब भी महाभिषेक होता है बाहुबली भगवान का, तो उस समय 2006 में एक रेल लाइन डाली गई थी बेंगलोर से मिल्क की गुड ट्रेन के लिए, पर उसके बाद ये लाइन ऑपरेटिव नहीं रही। फिर बाद में इसको 2009 से काम चालू हुआ, जो 2014 के मस्तक अभिषेक से पहले कंप्लीट कर लिया गया और इसको हसन तक कनेक्ट कर दिया गया। तो इन 412 करोड़ में 951 करोड़ पहले खर्च हुए थे, पिछले साल 75 करोड़ थे, इस साल 5 करोड़ हैं और डिपॉजिट 20 करोड़ का है। ये लाइन भी अपन रनिंग है। फिर है आपकी हुबली अंकोला तक। तो आप देख सकते हैं ये नई रेल लाइन है, और इसका 103 करोड़ का बजट है, जिस पर 122 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, और इस साल इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। फिर है बेंगलुरु सत्यमंगलम की। तो ये न्यू इंटायरली न्यू रेल लाइन है, और इसका बजट है 13,951 करोड़ का, जिस पर काफी कम खर्चा हुआ है। मतलब 4 करोड़ और 1 करोड़ मिला के तकरीबन 5 करोड़ खर्च हुआ है, पर अभी ऑन पेपर ये इतना ही है, खाली स्टडी के लिए, अभी तक कोई भी ग्राउंड वर्क चालू नहीं हुआ है। फिर है रायदुर्ग तुमकुर बारस्ता कल्याण दुर्ग। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर रायदुर्ग है, फिर कल्याण दुर्ग है, और नीचे आपका तुमकुर है। तो इसका 960 करोड़ था, जिसमें से 376 करोड़ खर्च हुआ था। पिछले साल 50 करोड़ था, इस साल मात्र 40 करोड़ दिया है। तो धीरे धीरे ये लाइन कंप्लीट होगी, बट इसका ग्राउंड वर्क जारी है। फिर है बागलकोट कुडाची। तो ये पूरी जो रेल लाइन्स हैं ये मोस्टली कर्नाटका की हैं, क्योंकि SWR कर्नाटका को कवर करता है मोस्टली। तो ये आप नीचे देख सकते हैं बागलकोट है, और खज्जी डोनी तक रेल लाइन बन चुकी है, ऑपरेटिव भी है, और कुडाची तक काम चल रहा है। 483 करोड़ की ये रेल लाइन है, 127 करोड़ इसमें खर्च हुआ था, 5 करोड़ पिछले साल था, इस साल 10 करोड़ रुपए मिला है। तो मतलब स्लो पेस पर इस पे भी काम चलेगा। फिर एक और लाइन है तुमकुर चित्रादुर्ग दावांगी। तो ये आप रेल लाइन देख सकते हैं, तुमकुर नीचे है और चित्रादुर्ग आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और दावांगी। तो ये रेल लाइन 956 करोड़ की है, जिसमें 1.5 करोड़ पहले खर्च किया गया था, पिछले साल 8.4 करोड़ था, इस साल 25 करोड़ दिया गया है, और सिक्योरिटी फंड 40 करोड़ है इसका। फिर एक है व्हाइट फील्ड कोलार। ये रेल लाइन आप देख सकते हैं, व्हाइट फील्ड से अभी बंगार पेट होते हुए कोलार जाना पड़ता है, 174 करोड़ इसका बजट है, बट अभी इस पर सिर्फ 50 लाख अलॉट हुआ है, मतलब इसमें सर्वे और बाकी चीजें हुई होंगी। एक और रेल लाइन है हरिहर टू शिवंगा टाउन, शिमोगा टाउन तक। तो शिमोगा तक रहेगी ये रेल लाइन, ये भी 956 करोड़ की है, पर इसके लिए
EBR भी किया गया है, 293 करोड़ का एक्स्ट्रा बजटरी अलोकेशन, पर इस पर भी इस साल कुछ काम नहीं होगा। फिर है आपकी मरीकुप्पम से कुप्पम तक, तो ये एक रेल लाइन है जो बंगारपेट से आगे कुप्पम तक जो रेल लाइन जाती है उसका एक पैरेलल ट्रैक रहेगा मरीकुप्पम तक। 279 करोड़ की रेल लाइन है, 2 करोड़ पहले दिया गया था, इस बार 30 करोड़ और 1 करोड़ दिया गया है, 10 करोड़ दिया गया है सॉरी। फिर है चिकवालपुर टू पुट्टपर्ती, तो ये श्री सत्य साई संति लाइन को चिकवालपुर से जोड़ती है और इसका 692 करोड़ का अनुमानित लागत है, पर इस साल इसको कुछ नहीं मिला है। फिर है गडक बाड़ी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे गडक है, उससे थोड़े आगे जाके लाइन कटती है वाड़ी के लिए और 1900 करोड़ का इसका बजट है और 47 करोड़ पिछले साल था और इस साल 50 करोड़ है, तो इसमें थोड़ा वर्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वर्क इस साल। फिर है श्रीनिवासपुरा मदनपल्ली, तो श्रीनिवासपुरा हाल्ट नीचे है और मदनपल्ली ऊपर है और 296 करोड़ की इसकी अनुमानित लागत है, पर इसके लिए कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है। फिर है चिकबलपुर गोरी बिदनूर, तो ये एक रेल लाइन है, 376 करोड़ का इसका बजट अलोकेशन है, पर इस साल कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है। फिर है गडक याल विगी, तो ये एक रेल लाइन है, ये 640 करोड़ का इसका अनुमानित लागत है, ये हुबली को बाईपास कर देगी जो कि इस तरफ से आने वाली रेल लाइन है और गडक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी साउथ की बन जाएगी। फिर है शिमोगा शिकारीपुरा रानी बेनोर, 89 किलोमीटर की रेल लाइन है आप देख सकते हैं और इसका भी 956 करोड़ है, बट बजट अलोकेट नहीं हुआ है अभी तक इसको। फिर है मैसूरू बेलागोला से कुशलनगर तक, और इसका 1854 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है, पर इसके लिए भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है, तो ये मैंने इसलिए कवर की ताकि अब जब नेक्स्ट ईयर इसको करेंगे तो आप कंपेरिजन कर सकें कि कुछ प्रोग्रेस हुई है नहीं। फिर है हसन अलूर से बेलूर तक लेकर, तो आप ये देख सकते हैं हसन जंक्शन के बाद अलूर हाल्ट है और ऊपर बेलूर हाल्ट है, तो ये 462 करोड़ रुपए का है और 32 किलोमीटर की रेल लाइन है और इसके लिए मात्र 1 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है इस साल। अब हम बात करते हैं गेज कन्वर्जन की, तो जैसा कि सिर्फ एक रेल लाइन थी मैसूर से चामराजनगर तक जो कि काफ़ी पहले कंप्लीट हो गई थी, 85 करोड़ का इसका अनुमानित लागत था, 56 करोड़ इसमें खर्च हुए थे, उसके साथ कैपिटल फंड था इसका 145 और वो पूरा खर्च हुआ था और इस साल सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए हुए हैं जो इस लाइन पर बचे हुए काम थे और इसको आगे मेट्टा पलेम तक बढ़ाने का प्लान है जिससे को मैसूर से कोयम्बटूर तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सके। अब हम देख लेते हैं डबलिंग को लेकर क्या है सीन, तो यशवंतपुर चंद्रा सांतरा तक की लाइन है, इसके लिए 20 करोड़ अलोकेट हुआ है, बैनापल्ली होसूर के लिए 40 करोड़ हुआ है और यहाँ बैनापल्ली में टर्मिनल भी बन रहा है 190 करोड़ में। बेंगलोर वाइट फील्ड सिटी कृष्णराजपुरम चौहरीकरण मतलब 4 लाइन बनेगी, इसका 83 करोड़ का बजट है, पर इस बजट में कुछ भी अलोकेट नहीं है। हाँ, EBR के तहत इसमें 50 करोड़ का अलोकेशन है। रामनगर मैसूर 90 किलोमीटर की लाइन है प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन और इस पर काफ़ी काम चल रहा है और अभी रिसेंटली मेमो भी लॉन्च हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। डबलिंग कुछ कुछ जगह बाकी थी, देखना पड़ेगा, तो 249 करोड़ का अनुमानित लागत था और 261 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, मतलब ये लाइन अप एंड रनिंग है। फिर है होसदुर्ग रोड चिकचा जूर, तो ये पीएच डबलिंग है। इसके बाद है होसपेट हुबली लोंडा अतिंगा घाट बास्को डिगामा गोवा,
और इसके लिए 3,700 करोड़ का बजट था, 541 करोड़ इसमें कंप्लीट हो चुके थे इस साल, 100 करोड़ रुपए दिए हैं। और EBR बांड जो PPP मॉडल होता है उसके तहत 159 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। तोरण कुल्लू रंची पूरा है, 22 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसके लिए कुछ भी बजट एलोकेट नहीं हुआ है। होटकी कुटकी गडक रेल लाइन है, 1600 करोड़ की इसके अनुमानित लागत है और इसमें EBR के तहत 100 करोड़ एलोकेट हुआ है। यलंका पेनुकोंडा रेल लाइन को भी 130 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। हुबली चिकजाजूर के लिए 100 करोड़, 80 के रेतुमपुर के लिए भी 101 करोड़ रुपए, बिरूर सिमोगा के लिए एलोकेट नहीं हुआ है कुछ भी। पेंडुकुरा धर्मापुरम को छोड़कर जो 41 किलोमीटर की रेल लाइन है इसके लिए भी कोई बजट एलोकेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें इस जोन का, तो ये जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और न्यू लाइंस के लिए 259 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है, गेज कन्वर्जन के लिए 1.6 करोड़, तो काफ़ी, क्योंकि गेज कन्वर्जन ज़्यादा कुछ है नहीं। डबलिंग के लिए 115 करोड़, और ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 45 करोड़, कंप्यूटराइजेशन के लिए 6.9 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 37.91 करोड़, लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट के लिए 389 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क लेवल क्रॉसिंग के लिए 16 करोड़, रोड ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए 169 करोड़, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 466 करोड़। ये ऑल ओवर द इंडिया ट्रैक रिन्यूअल पर ज़्यादा काम चल रहा है, इसके लिए 5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा रेल लाइन की ऑर्डर भी प्लेस किया है, और ब्रिज वर्क्स टनल वर्क्स अप्रोचेस के लिए 23 करोड़, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 38 करोड़, अदर इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए 8.84 करोड़, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 25 करोड़, वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 48.7 करोड़, स्टाफ वेलफेयर के लिए 30 करोड़, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। पैसेंजर अमिनिटीज के लिए 186 करोड़, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 44 करोड़, ट्रेनिंग एंड HRD के लिए 3.75 करोड़, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ किया गया है, स्टोर सस्पेंशन के लिए 1145 करोड़, और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए 519 करोड़। तो इस तरह से इसका बजट जो अदर कंपेयर जोन से सबसे लास्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थर्ड लास्ट पे आता है, 35-51 करोड़ का इसका बजट है। और इस तरह से ये था इस SWR का पिंक बुक एनालिसिस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रेल न्यूज़ और इस तरह के एनालिसिस और अदर टेक्नोलॉजी से जुड़े रेलवे के वीडियोज़ आप देख सकें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।